सो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये इस बुक के सीरीज़ के आदित्य चारी फिगर स्टडी मेड इजी के हम लोग अभी फिफ्थ चैप्टर पे हैं, रोटेशन इन आर्क। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बुक में बहुत सारे अडल्ट फोटो हैं। सो अगर मैं वो चीज़ शेयर करूँगा तो इसमें एज रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। सो गाइज इसकी PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे, सो दैट कि आपको बनाने में ईजी हो। सो गाइज रोटेशन इन आर्क हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान चीज़ है और बिल्कुल बस समझने का चीज़ है। इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं हमें जाना है, बट क्योंकि ये हमारे बुक में दिया हुआ है सो हमें इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊँगा कि इससे क्या करना है और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसका PDF है आप उसे डाउनलोड करके ड्रॉ कीजिएगा। सो गाइस कुछ चीज़ें हैं इस बुक की जो मैं आपको बिल्कुल अभी क्लियरली नहीं शो कर पा रहा हूँ, बट आप क्या कीजिए कि जो इसका फाइल है इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँगा, उसके बाद आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें गाइस ये चीज़ों के बारे में दिया हुआ है कि जो भी हमारा मूवमेंट होता है वो एक आर्क के फॉर्म में होता है। सो हमें प्रोपोर्शंस को ध्यान में रख के उसके हैंड मूवमेंट को या लेग मूवमेंट को हमें ड्रॉ करना होगा। जैसे कि ये वाला जो हमारा फिगर है, जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हमें जैसे हमने स्ट्रेट लेग्स बनाए तो आपको क्या करना है कि उसी के आर्क में आपको आर्क एक ड्रॉ करना है, उसी के पैरेलल, उसी के रेशो में, और उसके बाद आपको दूसरे लेग के प्रोपोर्शंस ड्रॉ करने हैं। सो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रख के ड्रॉ करना है। सो ये काफ़ी छोटा सा वीडियो था गाइस, बिल्कुल छोटा सा बात था जो कि आपको पता है ऑलरेडी कि हमें आर्क को एक रोटेशन को ध्यान में रख के। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाला इमेज के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले इस फिगर को हम लोग हाइड कर देते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ये हमारा वन हेड का होता है एंड यहाँ से यहाँ तक का सेकंड हेड टू हेड हो गए और यहाँ से यहाँ तक थ्री हेड टू एंड हाफ। सो इसी रेशो में हमें आगे ही ड्रॉ करना होगा, लाइक कि ये जो है हमें इसे एक सर्कल बना लेंगे सो दैट हमें आइडिया मिल जाए कि यहाँ से यहाँ तक एक हेड है। सो ये पोर्शन हमारा हाइड हो गया, ये वन हेड एंड दिस पोर्शन इज सेकंड हेड। सो यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, इसको यहाँ से इस पोर्शन से हमने आर्क लेके गए और यहाँ पे हमने सेकंड हेड तक एक और ये पोर्शन को ड्रॉ किया और उसके बाद थर्ड हेड को इस पोर्शन में ड्रॉ किए। सो इस तरीके से ये हेड के प्रपोर्शंस में ड्रॉ हुआ है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के आर्क के फॉर्म में रोटेट करना होगा। सपोज़ कि अब हमें इसे नीचे की ओर रिप्रेजेंट करना है, इस हाथ को दिखाना है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इसी आर्क में इस वाले पोर्शन को यहाँ तक ही ड्रॉ करेंगे और इस वाले पोर्शन को यहाँ तक ड्रॉ करेंगे एंड ये जो हैंड वाला पोर्शन है इसको यहाँ तक आ जाएगा। सो आपका ये प्रोपोर्शंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वरना अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे सो क्या होगा, आपका हाथ यहाँ पे तो यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट बनेगा बट अगर आप जब भी नीचे बनाएंगे या ऊपर बनाएंगे या डायगनल में बनाएंगे तो आपका हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगा। सो इस चीज़ को हटाने के लिए हमें इस आर्क के फॉर्म में ही ड्रॉ करना होता है कुछ भी जो हम ड्रॉ करते हैं। सो गाइस आप ये देख रहे होंगे कि ये फिगर को मैंने हाइड कर दिया है बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं, बट आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। सो गाइज इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर को एंड करते हैं एंड जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा की लाइन है जिसमें हम लोग चीज़ें डिटेल में ड्रॉ करेंगे। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग की लाइन के बारे में पढ़ेंगे।